आज एक बड़ी ही रोचक उपलब्धि हुई, एक रोचक प्रयोग मैंने अपने ऊपर किया और उस प्रयोग के बारे में मैं विश्लेषण देना चाहता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले कुछ 10-12 दिन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट चल रहा हूं। टेम्प्रेरी डिप्रेशन से होके गुजर रहा हूं और इस बीच मैंने पिछले एक महीने से ध्यान नहीं किया और ध्यान ना करने की वजह से मुझे लगा कि अब टेंशन तो टेंशन ही है, ध्यान करके कौन सा टेंशन दूर हो जाएगी। तो मैंने क्या किया कि पिछले एक महीने से या डेढ़, मतलब काफ़ी टाइम हो गया कि मैं ऑन एंड ऑफ मेडिटेशन कर रहा हूँ और एक महीने पहले से तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ। अभी कुछ क्षण पहले ही मैं एक आधे घंटे के मेडिटेशन से उठा हूँ और दिमाग में विचार आया तो मैंने सोचा कि आपसे चिंतन करूं, इसका आपके साथ इसकी चर्चा एक बार होनी आवश्यक है। बड़ी से बड़ी कोई भी टेंशन अगर होती है तो अगर आपके शरीर में प्राण बढ़ा हुआ है, मेडिटेशन अगर आप कर रहे हो उससे प्राण बढ़ता है, तो मेरी जो भ्रांति थी वो ये थी कि मेडिटेशन से क्या ही होगा दोबारा। और आज मैंने दोबारा जब मेडिटेशन किया तो मुझे इस चीज़ की अनुभूति हुई कि वापस मुझे रिलैक्स फील हुआ और वापस ऐसा लगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, जीवन में जो चल रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये एहसास मुझे अनेकों बार हो चुका है पिछले 7-8 सालों में, लेकिन क्योंकि मुझे इसको फिक्स करना था अपने माइंड में कि कहीं ये गलत फहमी तो नहीं है, कहीं वहम तो नहीं है, इस वजह से मैं पिछले 3-4 महीने से मेडिटेशन नहीं कर रहा था। और भी रीज़न थे जिसकी वजह से मैं, और भी कारण थे जिसकी वजह से मैं ध्यान नहीं कर रहा था। और आज मैं इसको स्पष्ट रूप से ये सिद्ध करना चाहता हूं कि ध्यान करने से अगर कोई बहुत बड़ी समस्या भी है आपके जीवन में तो भी वो समस्या फिर लगती नहीं है, वो हल्के में लेने लगता है मन आपका उसको। मतलब जो मेरी बात कही गई थी वही सिद्ध हुई कि मन को सिर्फ केमिकल से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ उस रस से मतलब है। आप सोचिए ना, इतनी बड़ी समस्याएं चल रही मेरे जीवन में, उसके बाद भी मन जो है वो रिलैक्स हो गया, कितना मतलबी मन है आप देखिए। और अभी तक मन मेरा बहुत ज्यादा जटिल था क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये जो बातें चल रही हैं मेरे जीवन में, ये चल रही थी मेरे मन में और उससे मेरा मन और ज़्यादा दिक्कत में पड़ गया था। और आज जब मैंने एक सिंगल सेशन किया प्रॉपरली, तो आज अभी इस वक्त इस क्षण मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ। मैं अगले क्षण क्या होगा मुझे नहीं पता, बट ये बात सिद्ध हो गई है। और क्योंकि ये पॉडकास्ट मेरे डायरी की तरह है
तो मैं इसको इस पॉडकास्ट की डायरी में लिखना चाहता हूँ, जिससे आप सभी को यह स्मरण रहे कि मन को सिर्फ और सिर्फ रसायन से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल से मतलब है। मन को वश में करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है आत्मरस का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये रिलीज हो जाता है तो आपके जीवन में एक आसानी आ जाती है, एक ढीलापन आ जाता है, एक उड़ान आ जाती है, एक प्यार आ जाता है। एक ऐसा प्यार जो बाहर से नहीं किया गया है, एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा लगाव, एक ऐसा सुख, एक ऐसा आनंद आ जाता है, जो शांति आ जाती है, गहन शांति आ जाती है, जो शायद हम बाहर खोजने की दौड़ में लगे हुए हैं। इसी के साथ मैं इसको दोस्तों समाप्त करता हूं। उन YouTube गुरुज को मैं कहना चाहता हूं कि लगा लो अपने सारे ज्ञान, पढ़ डालो सारे उपनिषद, कर दो दिखावा गीताओं के, तुम्हारी गीता, तुम्हारे उपनिषद तुम्हारे मन को और ज़्यादा जटिल कर रहे हैं, और ज़्यादा दुविधा में डाल रहे हैं, और ज़्यादा रेस्टलेस कर रहे हैं। तुम्हारे क्वेश्चंस की सर ये कैसे करूं, तुम्हारे क्लैरिटी जीवन को लेके, क्लैरिटी जीवन को लेके स्पष्टता पाने की दौड़ तुम्हें संतुष्टि नहीं दे पाएगी, तुम्हें तृप्ति नहीं दे पाएगी। तुम अतृप्त थे और रहोगे जब तक तुम इस आत्मरस का स्मरण नहीं कर लेते, जब तक तुम इस आत्मरस को अपने अंदर समा नहीं लेते, इस आत्मरस की जो महक है, जो इसका स्पर्श है, वो तुम्हारे जीवन में नहीं आता है, तब तक तुम्हारी गीताएं, तुम्हारे उपनिषद कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तुम गांजा फूंकते हुए वैश्याओं का स्मरण करते हुए पकड़े जाओगे, और तुम्हारी गलती नहीं होगी, तुम्हारे मन की गलती होगी। एक सरल बात अच्छे से समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ आत्मरस तुम्हारे मन को हल्का करता है, और इसके लिए आप अनहद की साधना कर सकते हैं, नहीं तो अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के इसको निकाल सकते हैं। 3 महीने तक इसको करते रहिए आंखें बंद करके। हाँ, एक चीज याद रखना कि अगर तुम किसी डिजायर के पीछे भाग रहे हो और वो नहीं मिल रहा है, इस वजह से तुम आत्मरस की तलाश कर रहे हो, तो तुम एक मूर्ख हो। तुम्हारे जैसा बौड़म बुद्धि आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तुम एक बेवकूफ किस्म के प्राणी हो, क्योंकि तुम्हारी यही गलतियां तुम लेके किसी यूट्यूब गुरु के पास जाते हो और वो कहता है कि आत्मज्ञान करो, ये करो, वो करो, मेडिटेशन करो, व्हाटएवर, जो भी है गुरु है, डिपेंडिंग ऑन द गुरु। आत्मरस सिर्फ उसके लिए है जिसको यह अच्छी तरीके से पता चल चुका है
कि एटलीस्ट बाहर कुछ तो नहीं है, अंदर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर तो कुछ नहीं है ये पता होना चाहिए। क्योंकि अगर तुमको लगता रहेगा कि बाहर कुछ है, संजना में कुछ है, अंजलि में कुछ है, प्रेरणा में कुछ है, आकांक्षा में कुछ है, श्वेता में कुछ है, तो कहीं ना कहीं ये आत्मरस अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत निकलेगा भी तो इतना ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज हो जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन, कि वो उसको ओवर पावर कर जाएगा। आज तुम्हारे जीवन में तुम्हारा यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ तो तुम्हारे अंदर बहुत सारा कॉर्टिसोल है, बहुत सारा स्ट्रेस हार्मोन, ये छोटा मोटा आत्मरस रिलीज करके तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मूर्खता आने वाली है, तुम और मूर्ख हो जाओगे, तुम मूढ़ बुद्धि हो, क्योंकि तुम दूसरों से सुनना चाहते हो, अपने प्रश्नों के जवाब पाना चाहते हो, कभी ये नहीं सीखना चाहते कि सीखते कैसे हैं, कभी ये नहीं पूछते हो कि सर सीखते कैसे, सही प्रश्न क्या है। एक प्रश्न पूछ लोगे फिर हजार और प्रश्न आ जाते हैं, क्या इस चीज का तुम्हें बोध है, क्या इस चीज का तुम्हारे अंदर कभी ध्यान आया कि तुमने मेरे से 10 सवाल पूछे तो तुम्हारे पास 10,000 सवाल और खड़े हो गए, क्या तुमको ये पैटर्न दिखता है, क्या तुम इतने बड़े घोंचू हो कि तुमको यही नहीं दिख रहा है कि एक सवाल के बाद 10,000 और सवाल खड़े होते हैं, क्या तुम्हें यह नहीं दिखता कि कोई भी गुरु ये बात नहीं करता है कि आपको स्वतंत्र कैसे किया जाए, क्यों नहीं करता वो बात, क्योंकि आप वो प्रश्न उनके पास लेके जाओगे और वो प्रश्न का उत्तर तो उनके पास ही है। जब मैंने कहा था कि कल अगर इंटरनेट बंद हो गया तो तुम लोग क्या करोगे, तो सब मेरे ऊपर हंसने लगे कि इंटरनेट बंद हो गया, ही। पिछले 500 साल में और अगले 500 साल में मेरे से बड़ा कोई दार्शनिक पैदा नहीं होगा, ये बात याद रखना। भले ही मेरे को 200 लोग सुनते हैं, 400 लोग सुनते हैं, 1,000 लोग सुनते हैं मैक्सिमम, क्योंकि उसके लिए मैं अभी चेष्टा नहीं कर रहा हूं, मेरा फोकस कहीं और है अभी, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं मेडिटेशन से अभी प्रॉपरली इसको मोनिटाइज करूं, और अभी इसकी मैं चेष्टा करना भी नहीं चाहता, मेरा गायन जो संगीत है उसी से मैं अपने आप को जो पैसा है बनाना चाहता हूं, और मेरा फोकस अभी वहीं पे है, तो शायद इस वजह से मेरे पास सिर्फ 400-500 लोग हैं जो सुनते हैं मेरे को, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं कल एक YouTube वीडियो निकालूं, जो अभी संदीप महेश्वरी के ऊपर मैंने पॉडकास्ट किया था, आपने देखा था, जहां पे मैं वो कुछ बोल रहे थे फिर मैं बता रहा था, फिर वो कुछ बोल रहे थे फिर मैं बता रहा था, वही फॉर्मेट अगर मैं YouTube पे वीडियो में बनाऊंगा तो मुझे पता है उससे कम से कम आज 200 व्यूज आ रहे हैं तो कम से कम 2,000 के ऊपर व्यूज जाएंगे, और हो सकता है 20,000 के ऊपर ही चले जाएं, और अगर करता रहा तो ऐसे करते करते चैनल ग्रो हो जाएगा। मुझे अच्छे से पता है कि मैं एक आचार प्रशांत का डायलॉग चलाऊंगा उसके बाद अपना काउंटर रखूंगा, एक संदीप महेश्वरी का डायलॉग चलाऊंगा अपना काउंटर रखूंगा, एक सदगुरु का चलाऊंगा अपना काउंटर रखूंगा, मुझे पता है कि वो वीडियो इंगेजमेंट होगी उस वीडियो की। आज मेरे वीडियो का इंप्रेशन रेट 2% है, आपको पता है, लास्ट के 6-7 वीडियोज मैंने किए उसमें सिर्फ 2-3% इंप्रेशन रेट आया है, आज तक का रिकॉर्ड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आज तक का रिकॉर्ड है कि आज तक 7% और 6% के नीचे इंप्रेशन रेट नहीं आया। पहली बार ऐसा हुआ है कि CTR मेरा 2%, 1.5% आ रहा है, क्यों, क्या तुमने इसकी सोचने की कभी चेष्टा करी कि एक आदमी जो 8% पे इंप्रेशन लेट रहा है, एक आदमी जो इंस्टाग्राम पे रीले वायरल कर रहा है, वो आदमी क्या इतना बेवकूफ है कि यूट्यूब पे वीडियो वायरल नहीं कर पाएगा, या चलो 200 व्यूज लाता है तो 2,000 या 20,000 ही ले आए, क्योंकि 5,000 सब्सक्राइबर का चैनल है तो अभी शुरू में 2,00,000 नहीं आएंगे, लेकिन हाँ अगर 10,000 क्रॉस हो रहा है हर एक
वीडियो तो आगे चलते चलते 1 लाख क्रॉस होता है, ये एक फॉर्मेट होता है सिंपल सा, ये एल्गोरिथम का हैक है। कल मैं स्टंट करूंगा और मैं करने वाला हूं अभी संदीप महेश्वरी का एक वीडियो प्ले करूंगा और उसके बाद फिर अपना वीडियो डालूंगा। मैंने सोचा है कि मैं स्टंट करूंगा लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं, मैं सीधा कंटेंट देना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं कि क्या सोच है लोगों की। मुझे ऐसा लगता है अपने जीवन में कि भले ही मैं स्पिरिचुअलिटी को मोनेटाइज ना करूं लेकिन इस चीज का जरूर स्मरण रखूंगा कि कैसे लोग मेरे साथ बैठ रहे हैं और किस तरीके के लोग मेरे को सुन रहे हैं। और ऑडियंस को पॉडकास्ट पे लाना, और जो पॉडकास्ट की ऑडियंस है वो बहुत ही अच्छी ऑडियंस होती है क्योंकि वो सीरियस हो, ये दिस इज ऑल मार्केटिंग डेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, दिस इज ऑल रसल ब्रंसन्स एंड डैन कैनेडीज डायलॉग कि पीपल हु आर लिसनिंग ऑन ऑडियो आर मोर सिंसियर, पीपल हु आर रीडिंग योर बुक आर मोर सिंसियर बिकॉज देयर द अटेंशन स्पैन इज हाई, द अटेंशन द एफर्ट्स ऑफ अटेंशन इज वेरी हाई, यानी जो प्रयास है अटेंशन को टिकाने का वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से पॉडकास्ट की ऑडियंस सीडी बहुत ज़्यादा वो होती है। इनफैक्ट ब्लॉग जो पढ़ते हैं, जो पूरा आर्टिकल्स पढ़ते हैं गूगल पे, उनकी और ज़्यादा सीरियस वो होती है। तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि कैसे व्यूज लाने हैं। मैं चाहूँ तो बहुत सारे स्टंट्स कर सकता हूँ लेकिन मैं करता नहीं हूँ बिकॉज देर आर सर्टन रीजंस, बट एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू गो डीप इनटू इट। बट या इफ आई डू अ स्टंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, विच आई एम गोइंग टू डू इन फ्यूचर, एंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज बिकॉज इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर, अ लॉट ऑफ किक कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग यू आर प्रिडिक्टिंग इट बिफोर हैंड। जब आप कुछ करने जा रहे होते हो पहले ही आप बोल देते हैं एक आध दो लोगों से कि ये होने वाला है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक मेरे कुछ इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स हैं तो वो मेरे को रील भेजते रहते हैं, मैं रील भेजता रहता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि देखो ये इंस्टाग्राम की रील बना रहा हूँ ये वायरल हो जाएगी। तो पहले तो उन्होंने मजाक में लिया, देखते हैं फिर मैंने कहा कि ये वायरल अभी जस्ट रील डाली है रील भेजी उनको, मैंने कहा जस्ट ये अभी रील डाली है, नीचे कमेंट किया उनके टेक्स्ट में वीडियो में सॉरी डीएम में कि भाई देख ये जस्ट अभी रील डाली है ये वायरल हो जाएगी। आज तक उस मैसेज पे किसी का रिप्लाई नहीं आया, सबने ट्रैक किया कि रील वायरल हो गई रील वायरल, लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया। और यहीं से किक मिलती, इसी वजह से मैं पहले ही पॉडकास्ट में बता रहा हूँ कि संदीप महेश्वरी के ऊपर एक जैसे कि उन्होंने कुछ बोला उसके साथ मैंने या तो कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो डाला या थोड़ा सा अगेंस्ट में डाला, ये कॉन्सेप्ट जो है अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो इसमें ट्रैक्शन अच्छा आएगा। पर आप बताइए व्हाट इज़ मोर वैल्यूएबल, द कंटेंट विच आई एम डूइंग ऑन यूट्यूब वीडियोज राइट नाउ विच इज़ अ डायरेक्ट कंटेंट, द कंटेंट आई एम डूइंग ऑन पॉडकास्ट, व्हाट इज़ मोर हाईली वैल्यूएबल फॉर यू। सो शो ऑफ की दुनिया है, इट्स ऑल अबाउट भिन्नता, इट्स ऑल अबाउट वेराइटीज, इट्स ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन, एंड बट डिफरेंशिएशन इज जस्ट अ अट्रैक्टिंग फीचर। अल्टीमेटली इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर फंडामेंटल्स यू हैव टू रीड एवरीथिंग ऑन बेसिक्स, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट मार्केटिंग इज दैट यू अट्रैक्ट पीपल थ्रू डिफरेंशिएशन, एंड देन यू when people are actually in front of you and studying you teach them basics but you attract them through differentiation, it's a very great thing. Like there is a new solution in the market, everybody is attracted towards that. Okay, ye ChatGPT and all that, yeah baby, Google is gone, everybody likes the new opportunities, but it's all about basics. It's just the medium is different. You are seeking knowledge at the end of the day, whether it is Google or ChatGPT. You are just seeking the knowledge, and whoever will teach the knowledge
बट द मीडियम इज डिफरेंट, सो यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस वर्ल्ड, दैट पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू बिकॉज यू आर डिफरेंट. वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, व्हाटएवर. व्हाई आर यू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वो लड़की जो सबसे अलग है? व्हाई नॉट अ कॉमनर गर्ल? क्यों तुम ऐसे आदमी के पीछे पड़े हो जो अलग है? क्यों कॉमन आदमी के पीछे नहीं पड़ना चाहता इंसान? कभी सोचो, इन सब चीजों को प्रश्न करो. जो खाली खाली बैठे बैठे हिलाते रहते हो, कभी इन सब चीजों का प्रश्न किया करो कि क्यों अलग चाहिए लोगों को. मैंने इसका जवाब दिया है, इसका उत्तर दिया है कि यह भिन्नता का जगत है. इट्स सो ब्यूटिफुल थिंग टू एड्रेस. कैन यू इमेजिन व्हाट आई हैव डिस्कवर्ड? आई नो आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, एंड अपना अपने मुंह से तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज द मोस्ट आउट ऑफ टॉप 10 थिंग्स. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग विच आई हैव डिस्कवर्ड, दैट एवरीवेयर यू सी पीपल आर क्रेजी अबाउट डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर्स. Whether it is singing, whether it is Bollywood, whether it is films, whether it is a song, whether it is UPSC, whether it is whatever it is, everybody wants to have a different IS officer, a different prime minister, a different song, a different movie, a different genre. Everybody wants to have a different girl. मैंने तुमको choose किया है because तुम सबसे अलग हो. Wow. But why? What is the logic behind it? Do we understand this shit? No. Because हम अपनी energies कहाँ waste कर रहे हैं? या तो हम masturbation कर रहे हैं, या हम sex कर रहे हैं, या खाना खा रहे हैं, या नशा कर रहे हैं, या फिर अपने dreams को chase कर रहे हैं, जो कि inevitably at the end of the dreams कुछ मिलने वाला नहीं है. वो सिर्फ फैंटेसी शो ऑफ वर्ल्ड के लिए अच्छा है. बट एनीवे, कंपेरेटिवली टू मैस्टरबेशन, इट इज बेटर टू चेज योर ड्रीम्स. सो वो लड़की जो सबसे अलग, व्हाई? व्हाई? So, people want a different girl, but people are attracted towards a different featured girl, but ultimately they want his basics. They want pyar, they want care, they want romance, they want respect, they want understanding. But when they are getting attracted towards somebody, No, वो लड़का थोड़ा अलग है बिकॉज ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर, और ही इज अ डिफरेंट फेस, और इज अ डिफरेंट वॉइस, डिफरेंट टैलेंट, वॉट एवर द फक इट इज. एंड बट जब उससे प्यार कर बैठेंगे, अरे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बेसिक्स कहाँ है घोचू. दिस इज द वर्ल्ड ऑफ भिन्नता. This is a world of differentiation. Can you see it? I was watching Shark Tank. Everybody's asking this question. What makes your product different from others? It's a great thing actually. And that is where the business lies. But anyway. So this is one of the most wonderful thing. That the meditation. So सार क्या है इस पॉडकास्ट का, मैं आपको लिख लीजिए थोड़ा सा, कि चाहे कितनी भी घनी प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि मेडिटेशन शायद इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, बट कहीं ना कहीं वो सॉल्व कर लेता है. आपको रिलैक्स तो कर देता है थोड़ी देर के लिए, अनलेस एंड अंटिल ये प्रॉब्लम जो है वो आपका माइंड में क्लटर्डनेस, स्ट्रेस जो है वो क्रिएट नहीं कर रही है. एंड इट इज़ टेम्प्ररी, आई अंडरस्टैंड इट इज़ टेम्प्ररी, बट
वन लास्ट थिंग विच इज़ नॉट बीन सेड टिल नाउ, आई विल टेल यू, इट्स अ मैजिकल थिंग एक्चुअली, जादुई चीज़ बता रहा हूँ। एक खुश मन, एक प्रसन्न मन, एक संतुष्ट, एक शांत, एक तृप्त मन, एक आनंदमय मस्तिष्क या मन, एक सल्यूशन की तरफ जल्दी बढ़ता है। आप अपने जीवन में कहीं फंसे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम है और आप कुछ ढूंढ रहे हैं, जो भी आप ढूंढ रहे हैं वो आपको जल्दी मिलेगा अगर आपका मन शांत है तो। अगर आपका मन शांत नहीं है, आपका मन प्रसन्न नहीं है अंदर से, तो आपको वो चीज़ उतनी ही देर से मिलेगी जितना ज़्यादा आप रेस्टलेस हैं। इसका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट इस पॉडकास्ट का, मैं इसको बंद करूँगा बोलने के बाद, कि हमारे मन पर ग्रह, नक्षत्र और कुंडली के जो नक्षत्र हैं और जो ग्रह बनते हैं और जो भी दशाएं बनती हैं ग्रहों की, अंतर दशाएं और ये सब जो भी मिक्सिंग एंड बुध उसमें घुस गया, राहु में, राहु केतु में घुस गया, दीज थिंग्स आर इन्फ्लुएंसिंग द माइंड व्हेन यू आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग द माइंड। आप अगर अपने मन पे प्रभाव नहीं डाल रहे हैं तो आपके ऊपर ज्योतिष या ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा इसको समझेंगे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है समझने के लिए, कि अगर आपका मन शांत नहीं है तो आपका मन, क्योंकि आपने अपने अंदर से शांत नहीं किया तो अब आपने छोड़ दिया, आपने लेट गो कर दिया, तो इट विल स्टार्ट फॉलोइंग द पैटर्न्स ऑफ द कुंडली और द बर्थ टाइम और द बर्थ प्लेस वेयर यू आर बॉर्न। सो एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंग टू कुंडली इफ यू आर नॉट मेडिटेटिंग, इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग द माइंड बाय योर सेल्फ, नॉट इन्फ्लुएंस, और अपने मन पर अगर आप प्रभाव नहीं डाल रहे हैं तो, स्वयं से नहीं डाल रहे हैं तो। पर अगर आप स्वयं से डाल रहे हैं तो कुंडली के जो प्रिडिक्शंस हैं वो आपके ऊपर काम नहीं करेंगे। देखिए, कुंडली के प्रिडिक्शंस तो वैसे भी काम नहीं करते, लेकिन कुंडली के ग्रहों का जो प्रभाव है वो जरूर काम करता है। तो आपको बेहतर है कि आप नीलम, पन्ना और अंगूठियां ये ना पहने, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत असर पड़ता है। मेन जो कुंडली आपकी बदलेगी वो तब तब बदलेगी जब आप ध्यान कर, और उस ध्यान से आपका मन प्रसन्न है, क्योंकि जैसे ही मन प्रसन्न होता है अब मन को बाहर से कुछ इन्फ्लुएंसिंग करवाने की जरूरत नहीं है, प्रभाव करवाने की जरूरत नहीं है, वो बाहर से दरवाजे बंद कर देता पटाक से, क्योंकि अब उसको वो मिल गया जो उसको चाहिए था, तो वो बाहर से तुरंत इमीडिएटली दरवाजे बंद करेगा। और यहीं पे कहा गया है मन परम शत्रु है परम मित्र है। मन परम मित्र तब है जब मन शांत है, यानी वो आपके साथ देने के लिए रेडी है, उसने दरवाजा बंद कर लिया। और परम शत्रु वो तब है जब आपने उसको शांत नहीं किया, अशांत किया, और ग्रहों का प्रभाव अंदर आने लगा। तो ग्रहों का जो प्रभाव है वो अंदर तभी आता है जब आपका मन, आप अपने मन पे काम नहीं करते हो। अगर आप अपने मन पे काम करते रहो सिर्फ चुपचाप 3 महीने रोज, अगर आपको ये पता है संसार में सुख नहीं है, 3 महीने बैठ के आप सिर्फ ध्यान करें, और ध्यान करने के बाद 3 महीने अगर आप रोज ध्यान, तो आप खुद मेरे को DM लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, आप ईमेल डालें मुझे, मैं वो ईमेल खुद पॉडकास्ट पे पढ़ूंगा। या अगर आपने ऐसा कर रखा है, आपका क्या मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा मुझे बताएं, कि हाँ मैं 3 महीने की जर्नी आपने जैसा बताया था मैंने कर लिया है और मेरे साथ सच में ऐसा हुआ है, तो आप ये नोट करना चालू कर देंगे। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं मेरे पॉडकास्ट में, वो इस बात से शायद एग्री करेंगे, कि सहमत होंगे इस बात से, कि चीज़ें आपके अनुसार होती हैं,
जो भी मेडिटेटर्स हैं वो थोड़ा सा स्पेस स्मरण करें। और ऑफ कोर्स आप ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपके हिसाब से होगी, कि जैसे मेरे साथ जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं, बड़ी मेजर परेशानियां हैं, तो वो कुछ सर्कमस्टेंसेस मैंने एक्शंस करे हैं या कुछ ऐसा कुछ किया है तो वो बन गई हैं परेशानियां। बट जो कुछ हद तक, एक हद तक, बहुत हद तक, बहुत बड़ी हद तक भी अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपका जीवन जो है वो उसमें संघर्ष कम होता है, उसमें संघर्ष ग्रसित नहीं होता। ऐसे लोग के जीवन में जो स्ट्रगल है वो कम हो जाता है, चीज़ें स्मूथली चलने लगती हैं, आपको वो मिलने लगता है जो आप चाहते हैं। बट मैं हमेशा ये उसी को मेडिटेशन कराता हूँ जो कुछ चाहता नहीं है, पर ये मैं बोल दे रहा हूँ बिकॉज कभी कभी मेडिटेशन करने के बाद मैं जो चाहता हूँ वो सात्विक लेवल पर चाहता हूँ या तमस के लेवल पर चाहता हूँ या राजसिक लेवल पर भी चाहता हूँ, तो वो चीज़ें पूरी होने लगती हैं। अब जब वो चीज़ें पूरी होती हैं तो मुझे उसका आभास होता है, तो मैं आपको, मैंने ये बता दिया है इसी वजह से कि ऐसा होता है कि चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अब जिन्होंने मेडिटेशन कर रखा है आज तक, वो एक बार ज़रूर नीचे संक्षेप में लिखें कि आप जो बोल रहे हैं, कि अगर आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं तो उसको अपना एक्सपीरियंस बताएं और लिखें भी। और लास्ट टू लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ग्रहों का प्रिडिक्शन आपके ज्योतिष आपको बताता है वो तभी तक आप सुने जब तक आपने मेडिटेशन की जर्नी चालू नहीं करी है। अगर आप 5-6 महीने मेडिटेशन की जर्नी में हैं तो अब आपकी कुंडली एक हिडन नई बन चुकी है, वो उसका अलग ग्रह है, उसके अलग नक्षत्र हैं, वो ग्रह काम नहीं करेगा आपके ऊपर। जैसे मेरी गुरु की दशा चल रही है, तो पहले मेरी राहु की दशा थी, फिर गुरु की दशा आ गई, तो मेरे को हमेशा लोगों ने बोला था कि मैं हमेशा कन्फ्यूज रहूँगा, और मैं बहुत कन्फ्यूज रहता था। लेकिन जब 23-24 साल के बाद मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो एकदम से मेरे अंदर एक कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन आ गया, स्पष्टता आ गई चीज़ों को लेके, क्लैरिटी आ गई। और ये क्लैरिटी वक्त के साथ साथ और आगे बारीक होती गई, बढ़ती गई और बारीक होती गई। क्यों? क्योंकि मन जो है वो इधर उधर भाग रहा है, डक 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 डक, इधर उधर। अब आपको मन शांत हो गया, तो अब मन शांत हो गया तो वो अच्छे से आपको बता पाता है आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। आप हर चीज अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, आपको एनालाइजिंग पावर अच्छी हो जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत तेज हो जाएगी, आपका सारे जितने भी पार्ट रीजनिंग आपकी जो होती है वो बहुत तेज हो जाएगी, रीजनिंग करना आपको बहुत अच्छे से आए, बहुत सारे जितने भी कॉग्निटिव लेवल के जितने भी ये मेडिकल टर्म्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ ऑटोमेटिकली सही होने लगता है। इसमें क्लैरिटी आने लगती है, ये चीज़ें और बलशाली होने लगती हैं, एक एक चीज़ का लेवल आने लगता है आपके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग लेवल 1, लेवल 2 वक्त के साथ साथ। तो कई लोग क्या है कि मन उनका स्थिर तो होता है लेकिन उसकी एक्सरसाइजिंग नहीं करते, तो उनका लेवल 2, लेवल 3 नहीं हो पाता। तो ये कुछ डिस्कवरीज हैं जिनको आपको सुनना ज़रूरी है जब आपका साधना की जर्नी चालू हो गई, तो आपके ऊपर कोई भी ग्रह, कोई मंगल की दशा, राहु की दशा, कोई भी दशा कुछ भी काम नहीं करेगी, क्योंकि अब वो आदमी इतना ज़्यादा कंट्रोल पा चुका है अपने मन पे कि वो आदमी जहाँ मन को घुमाएगा मन वहीं घूमेगा। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला है, मन हमारा टाइगर की तरह है, आपको उसको हड्डी देनी है, वो अपना हड्डी बैठ के खाएगा, मांस बैठ के खाएगा, वो जब तक वो खाता रहेगा तब तक वो इतना ज्यादा खुश हो जाएगा आपसे कि आपके लिए ही चीजें करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसका मांस खत्म हो गया तो यानी मेडिटेशन आपने छोड़ दिया, तो शुरू में तो वो कुछ नहीं बोलेगा, एक हफ्ते दो हफ्ते तक कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन दो हफ्ते बाद वो आपको ही खाना चालू कर देगा। तो इसीलिए जब मेडिटेशन छोड़ोगे तो 10-15 दिन कुछ नहीं होगा, या होगा तो हल्का फुल्का आपको फील होने लगेगा, लेकिन 15-20 दिन या 25 दिन से आप कहोगे भाई हम तो पागल हो गए, क्योंकि सारे ग्रह अंदर आने लगते हैं, राहु की दशा आ गई, गुरु मंगल सब जो भी दशा आपकी चल रही है वो आपस एंट्री लेने लगेगी, टक डक। और उस कुंडली के हिसाब से अगर जो प्रिडिक्शंस एक्यूरेट है वही होने लगेंगे।
तो मेरी जो कुंडली थी वो बहुत ही बेसिक कुंडली है, मतलब मेरी कुंडली कभी भी असाधारण नहीं बोला पंडितों ने। उन्होंने ये बोला कि ये आदमी चंचल बहुत है और बुद्धिमान बहुत है, ये सब मेरी कुंडली में है, लेकिन कभी ऐसा नहीं बोला कि ये कुंडली बड़ी असाधारण है या फिर वो जो ज्योतिष था उसको शायद अकल नहीं होगी या व्हाटएवर जो भी है। कई ज्योतिषों को दिखाया, मेरी बहुत असाधारण कुंडली है और ऑल्दो मेरे कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बहुत यूनिक बनाते हैं चीज़ों को, बट हर एक कुंडली में माइनस और प्लस पॉइंट होता है, ड्यूअलिटी क्रिएट होती है। तो अगर आपने मेडिटेशन करना चालू कर दिया तो प्लस ही प्लस बच जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि बड़ा खतरनाक है ये मामला, क्योंकि क्या होता है ना कि इसका लॉजिक ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर जो प्राण है, जो कहते हैं ना प्राण का मतलब जो एनर्जी है जो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे मिलती है, प्राण और जो बाहर स्पेस में जो है वो, मैं उस एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, डार्क एनर्जी जो है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राण की बात कर रहा हूँ जो पृथ्वी पे पेड़ों से निकलता है, जो पेड़ों से मिलता है, मिट्टी में घुसा हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ। धरती, जल, अग्नि, वायु, अवकाश जहाँ में मिलते हैं वहाँ से प्राण बनता है। एक एनर्जी और भी है जो स्पेस में मौजूद है, लोग कहते हैं प्राण वहाँ भी नहीं, प्राण वहाँ नहीं है, प्राण यहाँ है पृथ्वी पे, मंगल ग्रह पे प्राण नहीं है, ठीक है, तो इसको क्लियर कर लेना अपने माइंड में। तो ऑल्दो हो सकता है कि अगर आप मंगल ग्रह पे एक ऑक्सीजन टैंक के अंदर बैठ के मेडिटेशन करें तो हो सकता है कि आपका मेडिटेशन सही हो, वो मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि आसपास ऑक्सीजन तो है ही है तो उसमें प्राण होता है, बट आई एम नॉट, लेट्स नॉट गो इन टू दैट, बट ये क्वेश्चनेबल है एक्चुअली। मैंने कई बार इसके बारे में सोचा है कि अगर मंगल ग्रह पे जाके प्राण तो है नहीं वहाँ पे, ऑक्सीजन टैंक के अंदर अगर करते हैं तो क्या होगा, बट एनीवे, सो दैट इज़ द पॉइंट। सो तो प्राण हमारे बढ़ जाते हैं और प्राण जब बढ़ते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है मन की शांति, सबसे पहली चीज़ जो है मन की शांति होगी, ये बेसिक लेवल है। उसके बाद जब मन शांत हो जाता है तो आधुनिक या असाधारण चीज़ें होने लगती हैं। आप देखो कि आपका सिक्स सेंस थोड़ा सा हल्का हल्का एक्टिवेट होने लगता है, जहाँ पे आपको फील होने लगेगा कोई आदमी आएगा तो व्हाटएवर, हल्का हल्का सिद्धियों की जो खिड़की है वो खुलेगी। इसमें जैसे किसी कमरे में आप जाओगे तो आपको वाइब्स फील होगी, कोई किसी का हाथ आप टच करोगे तो आपका हटाने का मन करेगा, या फिर जल्दी किसी को आप छूने का मन नहीं करेगा, एंड ऑल दैट, दिस रिएक्शन विल बी हैपनिंग, अंदर प्यार ही प्यार भर जाएगा, है ना, शांति के साथ साथ, दिस इज द बेसिक। फिर थर्ड लेवल जो है वो आता है कुछ सालों में, डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। पुराने जो आपके कर्म थे, यानी पुराने जो जन्म थे आपके, उसमें आपकी क्या प्रैक्टिसेस रही हैं। और जब मैं जन्म की बात करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर, ऐसा मत सोचिएगा जो लिटरल जन्म है वैसा होता है, बट इसके बारे में मैं कई बार वर्णन कर चुका हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊँगा कि जन्म क्या होता है, ये ऑल दैट। तो उसकी भी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, और या सो एनीवे, सो लेट्स नॉट गो दैट मच डीप, अभी इसको हम रखते हैं यहाँ पे, एंड मुझे निकलना है एक जगह, आई विल बी गोइंग, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।